हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के दिन आप देख सकते हो मार्केट में कितना शानदार मूवमेंट हुआ है। ये वीडियो एक आईटी सेक्टर, जो कि आप लोगों को पता है, जो कि आईटी सेक्टर का लीडर है, जिसका नाम इन्फोसिस है, जिसमें शानदार रिजल्ट पेश किया है, उसके ऊपर मैं ये वीडियो में आप लोगों को डिटेल बना रहा हूँ कि आगे किस प्रकार से मूवमेंट देगा। तो आज आप देख सकते हो यहाँ पर इन्फोसिस स्टॉक गेनर में सबसे ऊपर रहा था दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो शानदार वॉल्यूम के साथ मूवमेंट हुआ है। मंडे के दिन भी अगर एक्सपेक्टेड करें तो शानदार मूवमेंट दे सकता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर करेंट मार्केट प्राइस चेक कर सकते हो, प्रीवियस क्लोज, ओपन, हाई, लो और क्लोजिंग प्राइस चेक कर सकते हो। बाकी वॉल्यूम भी आप देख सकते हो कितना शानदार बना है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 52 बिक के हाई की 52 बिक के लो की, तो शानदार है। इसमें भी आज के अगर डिलीवरी पैटर्न की बात करूं तो जो लिए गए डिलीवरी पैटर्न है वो रिजल्ट के अकॉर्डिंग काफ़ी शानदार है। ज़्यादातर इसमें स्विंग ट्रेडिंग का अनुमान है कि यहाँ से 1 हफ्ते 2 हफ्ते में शानदार मूवमेंट दे सकता है, जिसमें 26 लाख के समथिंग के अराउंड अब मोमेंटम रहा है। अब कंपनी इन्फॉर्मेशन पे चलता हूँ। अगर कंपनी का इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ तो आज के यहाँ पर आप देख सकते हो रिजल्ट कितना शानदार आया है क्वार्टर थर्ड का। तो टोटल इनकम की अगर मैं बात करूँ तो जो वैल्यूएबल बात होगी दोस्तों, वो वैल्यू लैक में बात होगी, तो टोटल इनकम की बात कर सकता हूँ जो सितंबर क्वार्टर से लेके अभी तक में बढ़ोतरी देखने को मिली। करीबन सितंबर क्वार्टर में यहाँ पर आप देख सकते हो 19,66,000 की समथिंग की थी, जो कि बढ़ के 31 लाख, करीबन 20 लाख के समथिंग आई है। मतलब 1 लाख का यहाँ पर मुनाफा देखने को मिला है। टोटल प्रॉफिट और लॉस में भी यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली, जो 3,82,000 के समथिंग की थी वो करीबन 4 लाख पे है। और यहाँ पर अगर मैं डिविडेंड की बात करूँ तो करीबन 23 अक्टूबर का 8 रुपये पर शेयर के हिसाब से इसने डिविडेंड का ऐलान भी कर दिया है। जो भी शेयर होल्डर है उनको 8 रुपये के समथिंग का डिविडेंड भी मिलेगा 23 अक्टूबर को। तो आने वाले समय में इसे लेके चल सकते हो, एक शानदार तेज़ी मंडे को भी इसमें देखने को मिल सकती है। अब जो रिजल्ट आया उसके ऊपर लेके चलता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये मनी कंट्रोल की साइट पे लेके आया हूँ। इन्फोसिस का मुनाफा 10.9% बढ़ के आया, करीबन 8% के हिसाब से डिविडेंड का भी ऐलान हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हो क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से जो बढ़ोतरी देखी है, अगर यहाँ पर देखे तो रुपये में होने वाली बढ़ोतरी करीबन 2% बढ़ी है। 2% की मैं बात करूँ तो शानदार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर मैं सितंबर क्वार्टर की बात करता हूँ तो सितंबर क्वार्टर में करीबन 22,000 के समथिंग का प्रॉफिट था, 22,000 समथिंग का था जो करोड़ में है, जो कि अब बढ़ के 23 करोड़ के समथिंग आ चुका है, ठीक है। अगर मैं इसमें डॉलर की मैं बात करता हूँ, जो डॉलर में इसमें अगर मैं बढ़ोतरी की बात करता हूँ तो करीबन जो सितंबर क्वार्टर में था यहाँ पर लिखा हुआ करीबन 3,321 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि करीबन 324 करोड़, लगभग $1 का इसमें मुनाफा देखने को मिला है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप पूरा पढ़ सकते हो, वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी का प्रॉफिट 10% बढ़ा है, जो कि अगर मैं बात करूँ ये जो तिमाही में था, जो सेकेंड तिमाही में अगर मैं बात करूँ सेकेंड क्वार्टर में जो करीबन 40 करोड़ के समथिंग का था, वो बढ़ के करीबन 44 करोड़ के समथिंग आया है। आप पूरा जाके डिटेल चेक कर सकते हो, जो भी इसमें इन्फॉर्मेशन है पूरा चेक कर सकते हो। जो यहाँ से अब यहाँ से अगर तेज़ी आ सकती है इसमें शानदार, तो इसे यहाँ पर बाइंग कर सकते हो दोस्तों। जिसके पास भी है वो होल्ड करके चल सकता है इसको, और जो अगर इसमें यहाँ से एग्जिट करने की सोचेगा वो इसे एग्जिट करके नहीं चले तो शानदार है, क्योंकि मोमेंटम के हिसाब से यहाँ पर आप यहाँ पर भी लिखा हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पे कंपनी की कि यहाँ पर 8 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से इसे डिविडेंड मिलेगा। तो कंपनी के ऊपर जो विशल बोवल का जो भी मतलब जो केस चल रहा था उसके अकॉर्डिंग हटते हुए इसने शानदार एक मोमेंटम दिया है। जो आप लोगों को पता ही है कि जो TCS के बाद TCS हर बार सबसे पहले यहाँ पर रिजल्ट पेश करता था, उसके बाद इन्फोसिस ने यहाँ पर सबसे पहले इस बार किया है, क्योंकि जो भी उसके चेयरमैन के अकॉर्डिंग TCS का जो रिजल्ट है वो थोड़ा डिले हुआ है, आने वाले दिनों में वो भी देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, पूरा पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि कंपनी में कितनी शानदार बढ़ोतरी देखने को मिली है। कंपनी के बारे में ज़्यादा बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि किस प्रकार से मोमेंटम कंपनी करी रही है, और जो आने वाले दिनों में भी कंपनी का जो प्रॉफिट रेशो वो इसी प्रकार बढ़ेगा। तो ये लॉन्ग टर्म अगर इसे लेके चले, तो मैंने पहले भी वीडियो बनाया था इसके ऊपर कि ये इसे होल्ड करके चले, वो खरीदते हुए चले, कि यहाँ से और भी शानदार आप लोगों को मूवमेंट मिल सके। अब इसके चार्ट पैटर्न के ऊपर लेके चलता हूँ। अगर मैं इसके चार्ट पैटर्न की भी बात करता हूँ तो किस प्रकार से मूवमेंट हुआ।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो आज का जो इंट्राडे चार्ट पे जिस प्रकार से मूवमेंट हुआ चार्ट का शानदार रहा था। मंडे के दिन शानदार तेज़ी देखने को मिल सकती है। करीबन एक साल के मैं चार्ट पैटर्न के लेकर बात करूं तो ये जो एक दिन की गिरावट देखने को मिली थी समतंग, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हद तक लो बनाया था। उसके बाद अगर मैं पाँच साल की ओवरऑल बात करूं तो ऊपर ही चढ़ते जा रहा है स्टॉक का मूवमेंट, जिस प्रकार से यहाँ पर स्टॉक का अनुमान लगाया जा रहा है। ओवरऑल मैक्स की बात करूँ तो स्टॉक ऊपर ही जाते जा रहा है, ठीक है। तो उसके बेस पे रिकवरी करना स्टॉक में, मतलब काफ़ी हद तक सुधरा हुआ है। यहाँ से रिकवरी एक बार करी, एक बार यहाँ से भी करी, यहाँ से गिरने के बाद फिर करी। इंट्राडे मार्केट में भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, जिसके अकॉर्डिंग मार्केट में एक नई बाइंग करके अगर चलते हो आप लोग तो आप लोगों को एक शानदार प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसे होल्ड करिए, जितना ले चल के लेके चल सकते हो डिलीवरी के लिए उतनी क्वांटिटी मेंटेन करिए और एक अच्छा प्रॉफिट रेशो मेंटेन कर सकते हो। जो भी डिविडेंड की बात थी वो तो आप लोगों को बता दीजिए, जो डिविडेंड मिलेगा अपने को 8 रुपये पर शेयर के हिसाब से, ठीक है। इसने जून में भी डिविडेंड दिया था करीबन 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से, फिर एक बार जनवरी दो इसी समय पे मतलब करीबन एक साल पहले भी दिया था 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो इसने करीबन 22 रुपये 22.5 रुपये के समथिंग का इस साल में करीबन अपने को इसने डिविडेंड दे चुका है। तो आप सोच सकते हो कितना शानदार मोमेंट है। और कंपनी आप लोगों को पता है आईटी सेक्टर की टॉप सेकेंड कंपनी है, लीडर बोलते हैं जो इस सेक्टर का जो राजा है दोस्तों वो TCS है, ठीक है। तो उसको भी देखते चलिए, कंपनी को देखते चलिए और इसमें मोमेंटम लेते चलिए, ठीक है। जो भी अपडेट था वो आप लोगों तक पहुंचाने का था, जो भी रिसर्च हुआ वो आप लोगों को तक बताने था, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि डेली बेसिस पे इंटरडे मार्केट टिप्स एंड मार्केट अपडेट आप लोगों तक पहुँचाता ही रहता हूँ मैं आप लोगों तक। और जो भी अब यहाँ से मार्केट में जो भी अपडेट आएगा, जो भी Q2 का है, उसके लिए अपन ने एक हर वीडियो में आप लोगों को अपडेट करते रहूँगा कि कौन कौन सी कंपनी का यहाँ पर स्टॉक में मोमेंटम किस प्रकार से रहने वाला है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।